इसको इसको बोलते हैं वॉश, और इसको ड्रम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रम वॉश ड्रम। कुछ लोग पल्सेटर भी शायद कहते हैं, पल्सेटर भी बोल सकते हैं। वॉश के लिए वो काम आता है, स्पिन के लिए ये वाला काम आता है। ये हमारी छोटी ड्रेन मोटर है जो सिर्फ ड्रेन का ही काम करती है, पानी को ड्रेन करती है। अच्छा। उसके बाद में ये हमारी मेन मोटर है जो 220 वोल्ट से चलती है। अच्छा। तीसरा ये हमारा एक गियर बॉक्स है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ये केवल बेल्ट से काम करता है। अच्छा। बस यही तीन पार्ट होते हैं और अंदर एक ड्रम होता है। अच्छा। यानी कि जो है इसके ड्रम को चलाने के लिए मेन काम जो है इससे गियर बॉक्स से होता है। अच्छा। गियर बॉक्स से होता है, बेल्ट के जरिए गियर बॉक्स से होता है। और ये इसके शॉकर यूज किए गए हैं। शॉकर उसको इसलिए यूज किए गए हैं कि कितना भी वेट होता है उसको बैलेंस बना के रखता है। अच्छा। चारों शॉकर मोटर को कहीं भी आगे पीछे भागने नहीं देता ड्रम को, वो एक जगह पे उसको वही करता रहता है रोटेट। ये हमारा यहाँ टैंक से कनेक्टेड है, इसके जरिए हमारा पानी ड्रेन होता है। अच्छा। यहाँ पर एक सील लगी हुई है जो कि ये ड्रेन वाली मोटर सील को अपनी तरफ खींचती है, पानी सारा ड्रेन हो जाता है। अच्छा। ये यहाँ पर सील है, ड्रेन मोटर की सील है, ये इसको मोटर पीछे खींचती है, वहाँ से पानी ड्रेन होना शुरू हो जाता है, फिर इसको वापस छोड़ देती है, पानी ब्लॉक हो जाता है। ये टब है इसका टैंक, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल ही ड्रेन है। यहाँ पर ये सील लगी हुई है जो पानी को बंद करती है, ये सील है अपनी। गियर बॉक्स दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली इसको पीछे खींचता है जब पानी ड्रेन होता है, ऑटोमेटिकली छोड़ देता है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। गियर बॉक्स दिस मोटर, ये मोटर ही है जो इसको गियर बॉक्स को कंट्रोल करती है, रोटेट करती है। ड्रेन मोटर ये है छोटी वाली, मोटर का कैपेसिटी है, मोटर कैपेसिटी देने के लिए कसा दूँ। ये हिलती कैसे है? शॉकर पे स्प्रिंग है नीचे, ये शॉकर है, एक दो तीन चार, चारों कोने पे एक ही शॉकर, चार शॉकर भी हिलती है। ये कैसी लगी होती है अंदर? ड्रम को जो घूमता है, ड्रम हमारा इसके ऊपर घूमता है। अच्छा। इसे क्या बोलते हैं? ड्रम ही बोलते हैं इसको।